Hello everyone, welcome to Saas Bahu Recipes. Subscribe कीजिए सास बहु रेसिपीज को. सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें. आज की हमारी रेसिपी एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और वो है ड्रैगन चिकन. इसे आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी. रेसिपी की डिटेल इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी. सबसे पहले हम हमारी चिकन को मैरिनेट करेंगे. तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और एक अंडा ऐड कर देंगे. अब आगे इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट और अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक. अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे. अब हमारे सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं. तो यहाँ पर मैंने चिकन को इस तरह स्ट्रिप्स में कट कर लिया है. तो अब मैं मेरी पूरी चिकन इस मसाले में ऐड करूँगी और चिकन को इस मसाले से अच्छी तरह कोट कर लेंगे. एक बार हमारी चिकन अच्छी तरह कोट हो जाएगी उसके बाद हम हमारे चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे. अब आधे घंटे बाद हमारी चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो चुकी है. तो यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन में तेल ले लिया है. अब मैं एक एक करके मेरे सभी चिकन के पीसेस को तेल में ऐड करूंगी और इसे डीप फ्राई कर लूंगी. चिकन को हमें अच्छी तरह पकने देना है और चिकन को हम लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे. 5-6 मिनट में हमारी चिकन अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है. तो अब हम इसे साइड में निकाल लेंगे. आगे यहाँ पर मैंने बचा हुआ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है. इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरह घोल लूंगी और इसकी स्लरी बना लूंगी. अब आगे हम एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना तेल. तेल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे. जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा हम उसमें ऐड करेंगे फाइनली चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन. इन दोनों चीज़ों को हम लाइट गोल्डन शेड आने तक तेल में अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे. अब आप देख सकते हैं हमारे अदरक और लहसुन को लाइट गोल्डन शेड आ चुका है. तो अब हम उसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, सोया सॉस. अब डालेंगे हम टोमेटो सॉस. अब इन सभी चीजों को हम एक अच्छा मिक्स दे देंगे. अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और डालेंगे तिल. ऑथेंटिक चाइनीज रेसिपी में तिल हमेशा ऐड किया जाता है. अब हम डालेंगे हनी. आगे हम इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे. अब आगे हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर की स्लरी जो हमने बना के रखी थी. इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे. जैसे ही हम कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड करेंगे हमारे सॉसेस थिक होते जाएंगे. तो हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को राइट कर लेंगे. अब हमारा एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का सॉस यहाँ पर बनके तैयार हो चुका है. इसे हम एक बॉईल आने देंगे और अब आगे हम इसमें ऐड करेंगे स्ट्रिप्स में कट किए हुए वेजीज. तो यहाँ पर मैंने लिए हैं रेड बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर और येलो बेल पेपर. साथ ही यहाँ पर मैंने स्प्रिंग अनियन को इस तरह पीसेस में कट कर लिया है. ये सभी चीज़ें हम इस सॉस में ऐड करेंगे और इसे एक अच्छा मिक्स दे देंगे. हमारे
हमारे वेजी सॉस में अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे फ्राई किए हुए चिकन के पीसेस, और इन चिकन के पीसेस को भी हम इन वेजीज और सॉसेस के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम हमारे चिकन को लो मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसी तरह पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद हमारी मजेदार ड्रैगन चिकन बनके तैयार है। इसे हम गार्निश करेंगे सफेद तिल से और स्प्रिंग अनियन से, और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप भी जरूर एक बार ट्राई कीजिए ये मजेदार रेसिपी। ड्रैगन चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है तेल, 300 ग्राम बोनलेस चिकन, चिकन को हमने लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। साथ ही हमें यहाँ पर चाहिए होगा हाफ रेड बेल पेपर, हाफ येलो बेल पेपर और हाफ ग्रीन बेल पेपर। हमने यहाँ पर रेड, ग्रीन और येलो बेल पेपर को लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। साथ ही हमें चाहिए स्प्रिंग अनियन, एक अंडा, 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक चाहिए होगा स्वाद अनुसार, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक, 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, 1 टेबलस्पून हनी चाहिए होगा हमें, 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप किया हुआ अदरक, 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप किया हुआ लहसुन और कुछ स्प्रिंग अनियंस को हमने यहाँ पर फाइनली चॉप कर लिया है। आप